दोस्तों 11 नवंबर यानी कि कल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी अमिताभ बच्चन अनुपम खेर स्टार फिल्म ऊंचाई। और ऊंचाई फिल्म को सिनेमाघरों से जिस तरह से रिस्पांस मिला है, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है। जहां दोस्तों आज फिल्म को सिनेमाघरों में दूसरा दिन चल रहा है, तो बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया से कितनी कमाई की, ओवरसीज से कितना रहा, और फिल्म का पहले दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितना रहा, और आज अपने दूसरे दिन फिल्म कितनी कमाई करने वाली है। तो दोस्तों बात करेंगे इसी के बारे में, बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप अमिताभ बच्चन को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें फिल्म ऊंचाई की, तो सूरज भड़जाते के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी, जिसमें लंबी स्टार कास्ट है। अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर के अलावा बमन ईरानी, डैनी, परिणीति चोपड़ा, नीरा गुप्ता और सारिका अहम किरदार में है। वैसे आपको बताता चलूं कि प्रोड्यूस भी इस फिल्म को सूरज भड़जात्या ने ही किया है और ये एक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है और फिल्म को ऑडियंस बहुत ज्यादा पसंद कर रही है। 11 नवंबर को रिलीज हुई थी, यानी कि कल फिल्म रिलीज हुई थी, और जैसे ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो इस फिल्म को इंडिया के अंदर लगभग 500 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। नेपाल में ये फिल्म 100 स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी और ओवरसीज से फिल्म को 300 स्क्रीन मिले थे। तो फिल्म टोटल 900 स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी कल, और आज ये स्क्रीनें बढ़ चुकी है। जहां दोस्तों 100 स्क्रीनें एक ही दिन में इंक्रीज हो गई और आज दूसरे दिन फिल्म लगभग 1000 स्क्रीनों पर चल रही है। बात करूं फिल्म के बजट की, तो फिल्म का बजट लगभग 30 करोड़ रुपए का है। सूरज भड़जात्या, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, विवाह, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, ये इस तरह की फिल्में बनाते हैं जिनकी फिल्म ओपनिंग तो कम लेती है लेकिन बाद में लंबे टाइम तक चलती है। तो कुछ ऐसा ही होने वाला है ऊंचाई के साथ, ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है। तो फिल्म का जो पहले दिन का कलेक्शन रहा, यानी कि कल का, तो फिल्म ने इंडिया से कमाई की 2.5 करोड़ रुपए की, नेपाल से कमाई की लगभग 50 लाख रुपए की, और वही फिल्म का ओवरसीज से कलेक्शन रहा 1 करोड़ रुपए का। तो फिल्म ने अपने फर्स्ट डे पर पूरे वर्ल्ड वाइड में 4 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जो कि काबिले तारीफ है। वहीं बात करूं मैं दूसरे दिन यानी कि आज की, तो दोस्तों आज फिल्म पूरे वर्ल्ड से लगभग 5 करोड़ रुपए कमा रही है और फिल्म का 2 दिनों का वर्ल्ड वाइड में 9 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और फिल्म इस तरह की शुरुआत ले रही है तो मैं कहता हूं ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर जाने वाली है।